नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल बात यह है कि धोनी भारतीय टीम से संन्यास तो ले चुके हैं, पर आईपीएल से नहीं। हर साल लोग कयास लगाते हैं कि माही का ये अंतिम आईपीएल होगा, मगर वो हमेशा उसके अगले साल सीजन में खेलते दिख जाते हैं। इसका उदाहरण हमें साफ तब पता चला था जब 2021 में चौथी बार सीएसके को चैंपियन बनाने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया था कि क्या धोनी अगले साल फिर से नजर आएंगे। तब उन्होंने बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब दिए थे। उसके बाद 2022 में भी वो दिखे और अब तो 2023 में भी सीएसके द्वारा रिटेन किए गए हैं। उनके रिटेंशन का मतलब साफ है कि वो 2023 के आईपीएल में नजर आएंगे। वहीं 2022 में आईपीएल शुरू होने के दो दिन पहले उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी थी। उस वक्त पहली बार हुआ था जब धोनी के टीम में रहते कोई और खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी किया था। पर आईपीएल शुरू होने के बाद जब मध्य में पहुंचा, तब जडेजा ने अपनी कप्तानी से नाखुश होते हुए वापस माही को ही दे दिया था कप्तानी। जडेजा मात्र 8 मुकाबलों में सीएसके के लिए कप्तानी की, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ 2 में ही जीत दिला पाए। वहीं रिटेंशन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि माही 2023 में फिर से किसी और खिलाड़ी को कप्तानी सौंप देंगे, ताकि उनके रहते टीम में एक कप्तान तैयार हो सके जो कि टीम को आगे कैरी फॉरवर्ड करे। पर भारत के पूर्व खिलाड़ी का मानना है कि अब जब तक धोनी टीम में बतौर खिलाड़ी रहेंगे, तब तक टीम का जिम्मा कोई और नहीं संभाल सकता। वहीं इस पूर्व खिलाड़ी का नाम है नमन ओझा और आकाश चोपड़ा। दोनों का मानना और कहना साफ है कि माही के रहते कोई और खिलाड़ी टीम का कप्तान नहीं बन सकता है। वहीं इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि वेस्टइंडीज़ के दिग्गज क्रिकेटर किरण पोलार्ड के आईपीएल संन्यास के बाद भारत के 360 डिग्री खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव इमोशनल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और अपने दोस्त के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि शुरुआत से लेकर अब तक हमारी ब्रदरहुड केवल मजबूत हुई है। यह मेरे लिए काफ़ी कठिन है कि आप हमारे साथ मैदान में नहीं होंगे, लेकिन मैं इस मौके के लिए उत्साहित हूं कि आपसे सीखने का मौका मिलेगा। नए रोल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि किरण पोलार्ड ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि उनका बल्ला अपनी टीम अपने देश के लिए भी ज़बरदस्त बोलता है। उन्होंने मुंबई के लिए कई महत्वपूर्ण पारी खेलकर क्रिकेट फैन का दिल जीता है। हालांकि उनके बतौर खिलाड़ी आईपीएल से संन्यास लेने के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस का ही बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। वहीं क्या आपको लगता है कि किरण पोलार्ड को आईपीएल से अभी संन्यास लेना चाहिए था? आपका जवाब जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी क्रिकेट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।